सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखें कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप चुने हुए हैं, आप बुलाए गए हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की एक बुलाहट है, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोग डरते नहीं हैं, परमेश्वर के लोग कमज़ोर नहीं हैं, परमेश्वर के लोग योद्धा हैं, वो कभी छिपते नहीं हैं बल्कि वो कठिनाइयों का खड़े होकर सामना करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं एक कदम तो आगे बढ़ता हूं और फिर दोबारा तीन कदम पीछे आ जाता हूं, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी भलाई नहीं हो रहा। आपको लगता है कि अब आपके जीवन का समय निकल चुका है, आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और अब मैं करूं तो आखिरकार क्या करूं? दोस्तों अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर की संतान मानते हैं तो इस बात को याद रखें कि नथिंग जस्ट हैपन्स, कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब कुछ परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार होता है और आपके जीवन से भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। ये सारे अनुभव, ये सारे धोखे, सारी बुराइयाँ खुदा के कंट्रोल से बाहर नहीं हैं। याद करें उस समय को जब आप पैदा हुए थे, जब से लेकर आज तक परमेश्वर ने आपको संभाला है। आपकी सारी कठिनाइयों में, सारे अकेलेपन में परमेश्वर ने आपकी मदद की है, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा है। तो आज परमेश्वर आपको कैसे अकेला छोड़ देगा? प्रेरित पौलुस ने कहा, जिसने तुम्हें बुलाया है वह विश्वास योग्य है। हो सकता है आपके चारों तरफ की आवाज़ आपको कहेगी कि आप बेकार हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे लिए बुरा कहेंगे और शैतान चुपचाप खड़ा होकर आप पर हंसेगा। लेकिन याद रखें कि आप एक कमज़ोर पिता की संतान नहीं है, आप उस राजा की संतान हैं जो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता है, इतना प्यार कि आपके लिए उसने मौत भी सह ली। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे और लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम जिसे ढूंढते हो वह मैं हूँ, और वो यीशु को घात नहीं कर पाए। जब तक परमेश्वर अलाव नहीं करेगा तो कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। परमेश्वर का वादा है कि तेरे दाईं ओर 1,000 और तेरे बाईं ओर 10,000 भी गिरेंगे लेकिन तेरा शत्रु कभी तुझ पर प्रबल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आपके दुख से, आपकी परेशानियों से परमेश्वर का एक उद्देश्य है जिसको आपको पूरा करना है। डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, जस्ट आगे बढ़ना है। परमेश्वर कभी भी आपको गड्ढे में नहीं फंसने देंगे। दोस्तों क्या आप नहीं जानते कि दरवाजे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो आगे बढ़ते हैं, जो बैठे रहते हैं इंतजार करते हैं, उनके लिए दरवाजे कभी नहीं खुलते। आगे बढ़ो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय पाओ। युद्ध कितना भी भयानक क्यों ना हो, दोस्तों हारता वही है जो हार मान लेता है, और मसीह में तो हम पहले से ही जयवंत हैं। लड़ते रहें, शैतान का सामना करें तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तूफानों से और कठिनाइयों से अगर लड़ना है तो उनके बीच में खड़ा होना सीखे। मूसा जिसे बोलना भी नहीं आता था, वो खुदा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान फिरौन के सामने खड़ा हो जाता है। यहोशू जब आगे बढ़ा तो कोई उसे हराने वाला नहीं था। दाऊद छोटा था लेकिन शेरों से अपनी भेड़ों की रक्षा करता था। अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर की संतान मानते हैं तो संतान की तरह जीवन जीना सीखें। आपके आसपास जो लोग हैं उनको जी कर दिखाएं कि परमेश्वर की संतान के समान जीना आखिरकार होता क्या है। जब हम परमेश्वर में हैं तो हम बिना युद्ध लड़े ही जयवंत हैं। परमेश्वर के बलिदान को और उसके प्यार को बिल्कुल व्यर्थ ना जाने दें। दोस्तों आपके जीवन से परमेश्वर का एक उद्देश्य है, इसलिए कभी हार ना माने, कभी भी हार मानकर नीचे ना बैठ जाएं। जो युद्ध आपके जीवन में चल रहा है उसमें हार ना मान लें, परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ें और आप जरूर जयवंत होंगे और आपके जीवन की सारी स्थिति बदलेंगी और परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से जरूर पूरा होगा।